वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह संगत जी वह इंसान जो मन के बहुत करीब है जब वह धोखा देता है तो फिर किसी पर विश्वास करने को मन नहीं करता ऐसा लगता है जैसे सारे लोग मुखोटे पहनकर घूम रहे हो उनके मन में कुछ और है और वह बाहर से कुछ और है बाहर से वह सुंदर अंदर से कपटे बाहर से वह मीठे अंदर से कड़वे बाहर से प्रेम करने वाले और भीतर से नफरत से भरे संगत जी कुछ ऐसे लोगों के बारे में है आनंद साहब की 19वीं पौड़ी के विचार जिसे हम आज मिलजुल गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे आनंद साहब, जो कि आनंद से भरपूर वाणी है इसकी चल रही विचार के अंदर आज 19वीं पौड़ी में गुरु साहब क्या फरमा रहे हैं आइए जानते हैं गुरु साहब पहली पंक्ति में फरमाते हैं कि जियो मैले बारो निर्मल अर्थात कई ऐसे हैं जो मन से मैले हैं परंतु बाहर से निर्मल होने का दिखावा करते हैं संगत जी हम जब अपने आप को देखते हैं तो क्या देखते हैं एक इंसान एक शरीर परंतु सत्य बात तो यह है कि हम केवल शरीर नहीं है हम ज्योति भी हैं जिसे गुरु साहब मन कहते हैं जी कहते हैं जीव कहते हैं जीव आत्मा कहते हैं यदि और सीधे तरीके से कहा जाए तो भगवान ने हम सबको अपनी ज्योति से बनाया गुरु साहब फरमाते हैं कि एक का ज्योत ज्योत है शरीरा भाव उसकी ज्योति से है और उसकी ज्योत सभी शरीरों में है और हर जोत अपना सफर पूरा कर सके इसके लिए उसे शरीर दिया यह शरीर एक वाहन के जैसे है एक कार के जैसे है जिसे मन चलाता है कार का काम केवल इतना है कि इसे चलना है जैसे मन चलाए जैसे संग जी हमें यहाँ से दिल्ली जाना है दस घंटे में पहुंचना है ये हमारा लक्ष्य है तो हमें उसके लिए कार मिलती है हम कार में बैठते हैं और चल पड़ते हैं चलते वक्त हमें दो चीजों का ध्यान रखना है एक हमें केवल अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है ताकि हम समय रहते वहां तक पहुंच सके दूसरा जिस पर जा रहे हैं उसे तेल पानी देते रहना भाव देखभाल रखना यदि केवल यह दो कार्य कर ले तो हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं लेकिन यदि हम जान घूमने के लिए मजे करने के लिए किसी और मुड़ जाए तो हम रास्ते में ही अपना समय पूरा कर देते हैं और होता क्या है समय पूरा होते ही हमसे वह वाहन वापस ले लिया जाता है भाव शरीर की मौत हो जाती है हम जिस कार्य के लिए चले थे वह पूरा नहीं हो पाता और अंत पछताते हैं और कुछ मन तो ऐसे होते हैं जो खुद तो बर्बाद होते ही हैं वह वाहन को भी बर्बाद कर देते हैं उसकी देखभाल नहीं करते तेल की जगह कुछ और उसे खिलाते पिलाते रहते हैं या चलाते वक्त ना गड्ढा देखते हैं ना स्पीड ऐसा करने से मन खुद का लक्ष्य तो गुम करता ही है जो वाहन मिलता है शरीर मन उसे भी खराब कर देता है रोगी कर देता है विकारी बना देता है परंतु इस पंक्ति में गुरु से फरमाते हैं कि वाहन को भाव शरीर को तो खूब चमका कर रखा है देखने वाला भी कहता है कि वाह क्या बात है कितना संभाल के अब तक शरीर रखा है और कपड़े भी क्या सुंदर पहने हैं और कितने सुंदर घर में रहता है लेकिन जो उनके साथ रहते हैं या उनके साथ काम करते हैं वह कहते हैं कि आप लोग जो देख रहे हो वह केवल एक भ्रम है ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है यह तो केवल शरीर से सुंदर है कभी चलकर इसके भीतर तो देखो भीतर से तो यह बदबू से भरा है भीतर से तो यह मेला है भीतर से तो यह अपने सफर से भटका हुआ बेफिक्र मन है भीतर से तो यह अहंकार से भरा है विकारों से भरा है आप लोगों को दूर से लगता है कि यह बहुत साफ और निर्मल है पर इसके साथ बात करके रहकर ही पता चलता है कि इसके अंदर केवल दिखावा है जैसे कि गुरु सब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि वह मन जो भीतर से महल से भरे हैं भाव जो भीतर से विकारों से भरे हैं और बाहर से निर्मल है साफ दिखने का दिखावा करते हैं उन्होंने अपना जीवन हार लिया है जीवन की बाजी को हार लिया है जैसे कि आगे वाली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि बाहरों निर्मल जीव त मैले तिनी जन्म जुए हारिया भाव जो बाहर से निर्मल होने का दिखावा करते हैं और मन से मैले होते हैं उन्होंने अपने जन्म जुए में हार दिए हैं संगत जी दूसरे इंसान का जीवन कैसा है हम उसका अंदाजा कई बार बहुत आसानी से लगा लेते हैं कि वह बाहर से दिखता तो सुंदर है परंतु भीतर से वह केवल पाप से भरा है निंदा से भरा है गुस्सा से भरा है लेकिन हमें किसी पर ध्यान नहीं लगाना है जब हम दूसरे को देखते हैं तो खुद को भूल जाते हैं इसलिए हमें सबसे पहले सवाल अपने आप से यही करना है कि मैं कहा खड़ा हूं क्या जो मैं बाहर से देखता हूं क्या वैसा ही भीतर हूं मैं बाहर से कहता हूं कि मैं कोई बात नहीं छिपाता मैं सदा सत्य बोलता हूं मैंने किसी को धोखा नहीं दिया मैं गुस्सा नहीं करता मैं ईर्षा नहीं करता ऐसा जो कुछ भी हम कहते हैं क्या हम भीतर से भी वैसे हैं यदि नहीं तो हमारा हाल भी बाकियों जैसा है हमारा भी अपने आप से कोई तालमेल नहीं हम भी अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ हमारे ऊपर से भी बहुत जल्द लोग भरोसा करना छोड़ देंगे क्योंकि हम वह नहीं है जो हम बोलते हैं, जो हम दिखाते हैं। हम तो अंदर से मैले हैं और बाहर से दिखाने के लिए निर्मल साफ हमने अपने वाहन को शरीर को तो बहुत अच्छी तरह से सजा रखा है परंतु इसे चलाना कैसे है इसका जरा सा भी बेद अभी तक नहीं पाया इसलिए इससे हम गलत कार्य करवाते चले जा रहे हैं समय बर्बाद करते चले जा रहे हैं और समय तो संगत जी समय है वह अपनी चाल चलता जाएगा एक दिन ऐसा आएगा हमारा समय समाप्त हो जाएगा हमारी मौत आ जाती है ऐसे हम अपना जीवन गुरु से फरमाते हैं कि हार जाते हैं भाव जो बाहर से निर्मल होने का दिखावा करते हैं और मन से मैले होते हैं उन्होंने अपने जन्म जुए में हार दिए हैं जीवन बर्बाद कर दिए हैं इसके बाद एक और सवाल कि हम मौत को समय को क्यों भूल जाते हैं इसके बारे में गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि एह तिसना वड्डा रोग लगा मरण मणो विसार्या अर्थात उन्हें तृष्णा का यह बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है जिस कारण मृत्यु को अपने मन से उन्होंने भुला दिया है सो मौत को इंसान तब भूल जाता है जब वह बीमार होता है शरीर की बीमारी नहीं शरीर से तो जब हम बीमार होते हैं तो बहुत रब को याद करते हैं बहुत सी मन्नतें मांगते हैं सो यहां पर बात है मन की मन जब बीमार होता है तब वह मरण को भव मौत को मन से बिसार देता है भूल जाता है और वह रोग कौन सा है गुरु से फरमाते हैं वह है तृष्णा तृष्णा क्या होती है इसका भाव है प्यास और पाने की प्यास और ऐसा कुछ पाने की आस जिसका हमें कोई लाभ नहीं जैसे हम मोबाइल खोलते हैं एक रील देखते हैं और जिसका हमारे आध्यात्मिक जीवन में कोई लाभ नहीं और फिर उसे देखते ही चले जाते हैं दस मिनट आधा घंटा दो घंटे गुजर जाते हैं फिर भी मन कहता है एक और देख लो मन की प्यास है कि मिटती नहीं संगत जी कोई वस्तु मोबाइल आदि बुरा नहीं होता उसका उपयोग कैसे करते हैं इस पर सब निर्भर है सुसंगत जी किसी को खूबसूरत होने की तृष्णा है किसी को अमीर होने की तृष्णा किसी को बड़ा पद पाने की प्यास है किसी को लंबा जीवन जीने की है भाव सभी को किसी ना किसी बात की तृष्णा लगी हुई है और यह तृष्णा यह रोग हमें मौत भुला देती है यह भुला देती है कि हम यहाँ क्या करने आए थे जिस कारण हम कीमती जीवन को व्यर्थ करवा देते हैं सही है कि हमें कमाना है खाना है पहनना है लेकिन केवल कमाते ही रहना है यह तृष्णा है गुरु से फरमाते हैं कि उन्हें तृष्णा का यह बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है जिस कारण मृत्यु को अपने मन से उन्होंने भुला दिया है इसके बाद एक और बात कि जब हम मौत को अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं तो क्या ऐसा कोई साधन नहीं जिससे हम फिर से रास्ते पर आ सके हम इस रोग से बच सके इसके बारे में गुरु से वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि वेदा में नाम उत्तम सो ही, फिर ज्यो बेतालिया भाव वेदों में नाम को प्रभु नाम को सर्वोत्तम बताया गया है परंतु वह लोग नाम को सुनते नहीं जिस कारण वह बेताल भाव बिना ताल के डगमगाते हुए जीवन पक पर भटकते ही रहते हैं तो संग जी हर रोग का इलाज इस जगत में है तृष्णा का भी इलाज है वह है नाम अरब का नाम उसे स्मरण करना उसे याद करना उसकी वाणी को मन में बसाना जब मन में नाम भस जाता है तो मन की बीमारी अपने आप सही हो जाती है मन से दूर हो जाती है और मन अपने लक्ष्य की ओर फिर से चल पड़ता है परंतु गुरु से फरमाते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में तो दवा है पर मन इसे पीने को राजी नहीं मन इसे पढ़ने को राशि नहीं जब तक मन पढ़ेगा नहीं ठीक कैसे होगा तो मन जो मैल से भरा है तृष्णा से रोगी है वह दवा ना लेने के कारण रब के नाम से दूर होने के कारण और भी बीमार होता चला जाता है वह जीवन पक्ष से परे चला जाता है जैसे हम अपने आस पड़ोस सुनते हैं कि वह औरत तो डायन है क्यों क्योंकि इसने किसी के घर को खा लिया है निंदा करके या गुस्सा करके या किसी जाल में फंसा कर धोखा करके ऐसे ही कुछ लोग मर्दों के बारे में भी कहते हैं कि वह जब भी बोलता है तो राक्षस की तरह बोलता है कड़वा बोलता है क्रोध से भरा है तो वह होते तो इंसान है परंतु विकारों के कारण पशु हो जाते हैं राक्षस जैसा जीवन जीते हैं तो संगत जी जिनके जीवन में केवल मैल है केवल विकार है जो जीवन की राह से भटके हैं जो नाम की दवा नहीं लेते वह इंसान नहीं गुरु से फरमाते हैं कि वेदों में नाम को सर्वोत्तम बताया गया है जो हर रोग की दवा है परंतु तो वह लोग नाम को सुनते ही नहीं और बेतालों की तरह जीवन भर भटकते रहते हैं इसके बाद इस पौड़ी के अंत में गुरु साहब एक बार फिर से फरमाते हैं कि कह नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिने जन्म जुए हारिया भाव जिन्होंने सत्य को त्याग कर नाम को त्याग कर झूठ से मोह लगा लिया है विकारों से मोह लगा लिया है उन्होंने अपना अमूल्य जन्म जुए में हार दिया है जी हमें कभी कभी लग सकता है कि हम जीवन में कामयाब नहीं हुए तो क्या हुआ जीवन का आनंद तो लिया मजे तो किए संग जी यदि हमने सचमुच आनंद को हासिल किया होता तो हम दुख आने पर रोते नहीं हम मुश्किल आने पर घबराते नहीं हम जरा जरा सी बात पर चिढ़ते नहीं असल में जिसे हम आनंद कहते हैं वह केवल एक छलावा है हम जिस जिस चीज से, तो इसे आनंद नहीं कहते जिसने खुद में आनंद को हासिल कर लिया फिर उसे किसी को तलाशने की आवश्यकता नहीं रहती वह तो फिर हर पल में ही आनंद को हासिल कर लेता है वह फिर दुख में है या मुश्किल में कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आनंद को फिर कोई मुश्किल कभी छीन नहीं पाती कोई रोग उसे दबा नहीं पाता कोई विकार उसे फिर रोक नहीं पाता वह फिर अपने सफर को पूरा करता है अंत तक जाता है जहां पर मन फिर ज्योति से मिल जाता है फिर एक से एक हो जाता है जब ऐसा होता है तब उसका सफर पूरा होता है वह फिर अनंत की दुनिया में जाता है वह फिर समंदर का ही भाग हो जाता है जीते जी हो जाता है उससे फिर कभी अलग नहीं होता तो गुरु साहब अंत में फरमाते हैं कि अंत तक वही जाता है जो सत्य से जुड़ता है जो खुद को पहचानता है जो नाम से जुड़ता है जो अपनी मैल को धोता है और जो मैल को नहीं धोता जिसने सत्य को त्याग कर झूठ से मोह लगा लिया है उन्होंने अपना अमूल्य जीवन हार दिया है तो सिंह जी ये थी अनंत साहब की उन्हें सिपोड़ी के विचार इस विचार को पूरा करने में मुझे काफी दिन लगे क्योंकि जब भी मैं इसे लिखने बैठता था तो कभी लिख नहीं पाता कभी लिख लेता तो फिर इसे मिटा देता क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कुछ मिस कर दिया कुछ छूट गया है बहुत दिनों के बाद एक दिन मैं एक अंतिम संस्कार पर गया वहां जब शमशान घाट में पड़े एक शरीर को बहुत गौर से देखा तो मेरे मन में बहुत से सवाल खड़े हो गए कि हम आखिर है क्या मन या शरीर यदि शरीर है तो यह शरीर तो वैसे का वैसा है वही हाथ वही चेहरा वही दिमाग वही बाल फिर यह शरीर अब बोलता क्यों नहीं चलता क्यों नहीं ऐसा इसमें से क्या गया जो यह बोल नहीं रहा क्योंकि शरीर तो पूरे का पूरा वैसे का वैसा है हर दिन कोई ना कोई सवाल मेरे मन में आता ही रहा और साथ में मैं गुरबानी द्वारा यह भी जानता था कि हमें जितनी सांसें मिली उतनी ही हम भोगते हैं और फिर इस शरीर से जुदा हो जाते हैं मन इसके बाद कहा जाता है इसके बारे में कोई नहीं जानता लेकिन जीते जी यदि मन को रब से जोड़ लिया जाए तो हमारा आना सफल माना जाता है उसका ही जीवन सफल होता है तो आज जब फिर से इसे लिखने बैठा तो वही बात ने इस पौड़ी को हल करने में मेरा साथ दिया मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि हमारा मन ही हमारे शरीर का ड्राइवर है कार को क्या पता कहां जाना है शरीर को क्या पता कहां जाना है मन को पता है जब मन ही भटक जाए तो फिर शरीर का सफल होने का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता इसलिए गुरु सब इस बॉडी में समझाते हैं कि जिनके मन भटके हुए हैं जिनके मन मैल से भरे हैं उनके शरीर चाहे कितने भी चमक रहे हों कितने भी सफल हों वह बेमाइने हैं क्योंकि जब हम ज्योति में लीन होते हैं तो शरीर नहीं बल्कि मन होते हैं इसलिए मन को सफल होना है मन को कामयाब होना है मन को साफ होना है तभी बात बनती है तो संगत जी आज के लिए इतना ही इस विचार के बाद आगे वाली पौड़ी के विचार गुरु साहब की कृपा से आने वाली वीडियो में करेंगे आज के लिए इतना ही इस विचार के दौरान हुई सभी गलतों की मैं क्षमा चाहता समाचा और इस विचार के लिए कथा के लिए कुर्बानी के लिए सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह